अवध नारायण तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? करैया तुर के। क्या मामला है तुम्हारा? कुछ नहीं साहब, मेरे मकान बने बनाए पे कब्जा करके हेमा भाई ने, मेरी चूँकि भाभी, मेरी भाभी ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया। प्रति 6 महीने से मैं इस कार्रवाई में लगा हुआ हूँ और उस कार्रवाई कुछ हुई नहीं है, और मेरे ही मकान को मेरी ज़मीन पर बना हुआ, मैंने ही बनाया, उसी को उसने गिरवा दिया। बहादुरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम करैया तुर्क स्थित प्रधानमंत्री मत्स्य स्वीकृत भवन के तोड़े जाने की रिपोर्ट हेमाबाई द्वारा पुलिस थाना बहादुरपुर में दर्ज कराई गई थी। हेमाबाई ने अपने ही देवर अवध नारायण पर घर तोड़ने के आरोप लगाए, जबकि जिस जमीन पर मकान बना था वो जमीन अवध नारायण के नाम पर दर्ज है। वहीं दूसरी ओर आरोपी अवध नारायण का कहना है कि हेमाबाई ने षड्यंत्र पूर्वक ये मामला उठाया है और उसे जबरन परेशान किया जा रहा है। तहसीलदार बहादुरपुर के राजस्व न्यायालय में ये मामला चल रहा है, जिस पर विवाद की स्थिति को ध्यान में रखकर तहसीलदार न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी कर स्टे लगा दिया गया है। इस विवादित मामले में अवध नारायण ने भी अपने तर्क और साक्ष्यों के आधार पर न्याय की आशा में अपना पक्ष रखा है। अशोक नगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। मैंने शिकायत SP महोदय को किया, कलेक्टर महोदय को किया, और मैंने SDM साहब, SDOP साहब को किया, किसी ने मेरी सुनाई नहीं है। इसमें कोई जांच नहीं की, इसने झूठे तथ्यों के आधार पर और अपनी फोटो खिंचवा के मेरे मकान के यहाँ और इसने पैसे निकाल लिए। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच करके मुझे बरी किया जाए। मेरे ऊपर आरोप लगा दिए गए, मेरी रिपोर्ट करा दी गई, और रिपोर्ट करने के बाद मेरे ऊपर FIR कर दी गई।